मेरे अति प्रियो यीशु मसीह के नाम से मैं नमस्कार करता हूँ। आज आपके एक बात को कहना है। आप पूछते वो क्या कहना है? दानियल तीसरा अध्याय के 17 वचन में कठिन परीक्षा के समय परमेश्वर का भक्त लोग क्या कहते थे मालूम? वे लोग ऐसे कहे, जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको चुड़ा सकता है। जिस परमेश्वर यीशु मसीह को आराधना करते हैं वो आपको वो छुड़ा सकता है। कौन सा विपत्ति है? परीक्षा, बीमारी, परेशानी, संघर्ष, अकाल, बाधाएं, रुकावट, विरोध और कुछ क्या है? कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन जिसको हम उपासना करते हैं वे परमेश्वर हमें छुड़ा सकता है। इतनी बड़ी समस्या है, मुझसे नामुमकिन है, इस प्रकार वो नहीं कहेगा। इनसे कैसे मैं बात करूंगा, ये नामुमकिन है, ऐसे परमेश्वर नहीं कहेगा, ऐसे नहीं कहेगा। वो सर्वशक्तिमान है, आकाश और पृथ्वी में परमेश्वर की सामर्थ है। वो सर्वशक्तिमान है, आपको छुड़ाने में उसके पास सामर्थ है। इस अपमान से, संघर्ष से, कर्जा से, सारी समस्याओं में से, सारी परीक्षाओं में से परमेश्वर बचा सकता है और वो छुड़ा सकता है। इसलिए डरना नहीं, हिम्मत के साथ आपको रहना है और कहना, परमेश्वर हमें छुड़ा सकता है। तब अद्भुत कामों को देखेंगे, कहेंगे, जिसको हम उपासना करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, जो सर्वशक्तिमान यीशु सारी मुसीबतों से हमें छुड़ा सकता है। स्तुति वो, स्तुति वो यीशु के नाम में। आमीन, आमीन।